हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम संघात्मक शासन व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है। किंतु संघात्मक शासन व्यवस्था को जानने से पहले एकात्मक शासन व्यवस्था का जानना जरूरी है, और एकात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में व्याख्यान मैंने अपने पहले वीडियो में दिया था। उस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, या कहाँ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इस संदर्भ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो हमें यह जानना आवश्यक है कि भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम के लक्षण पाए जाते हैं। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और दो सदन का होना इत्यादि, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जिस्टेंस ऑफ टू हाउसेज एसेस्ट्रा। यद्यपि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र का होना, एक संविधान का होना, एकल नागरिकता यानी एकहरी नागरिकता का होना, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह संविधान का एक बड़ा वैशिष्ट्य है या एक विचित्र बात है कि संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद एक में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके दो अभिप्राय हैं या दो अर्थ निकलते हैं कि पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा यह है कि किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को कई नामों से पुकारा गया है, या यूँ कहें कि कुछ इस तरह से नाम इसको दिए गए हैं कि एकात्मकता की भावना में संघ। नेक्स्ट है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी इत्यादि। तो ये एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था के कुछ वैशिष्ट थे जिनसे हमने आपको अवगत कराया। यदि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करें तो संघात्मक राज्य में प्रमुख शक्ति का दोहरा प्रयोग होता है। इकाइयों को अपनी सत्ता केंद्रीय सरकार से नहीं वरन संविधान के माध्यम से प्राप्त होती है, और उनकी स्थिति अधीनता की नहीं वरन समानता की होती है। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। वहीं केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय महत्व के विषय सौंपे जाते हैं और स्थानीय सरकार को स्थानीय महत्व के विषय सौंप दिए जाते हैं। संघात्मक शासन धारण करने वाले राज्यों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है जो संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा एवं व्याख्या करें। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर सर्वोच्च न्यायालय ही विवादों का निपटारा करता है, या यूँ कहें कि सर्वोच्च न्यायालय को ही विवादों का निपटारा करने का अधिकार प्राप्त है। संघात्मक राज्यों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, यद्यपि हमारे भारतीय संविधान में एकहरी नागरिकता का विधान किया गया है। यह दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन का अनिवार्य तत्व नहीं है। भारतीय संविधान में संघ राज्य की व्यवस्था तो है, किंतु दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, यानी एकल नागरिकता का विधान किया गया है। संघ निर्माण के लिए जो आदर्श आवश्यक शर्तें हैं या आवश्यक संदर्भ हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि अपने अस्तित्व की रक्षा के साथ व्यापक रूप से एक होने की भावना, भौगोलिक समीपता, भाषा, धर्म, संस्कृति व हितों की एकता का होना, समान सामाजिक प्रथाएं और राजनीतिक संस्थाओं का होना,
आकार एवं जनसंख्या की दृष्टि से इकाइयों में समानता का होना और संघ निर्माण के लिए पर्याप्त आर्थिक साधन एवं राजनीतिक चेतना को भी अपरिहार्य माना गया है, या यूँ कहें कि आवश्यक माना गया है। संघीय शासन के संदर्भ में यदि हम इसके गुणों पर प्रकाश डालें तो सहज ही विदित होगा कि शक्ति विभाजन के आधार पर केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकार के मध्य सामंजस्य बना रहता है। राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्रीय सरकार के पास तथा स्थानीय महत्व के विषय स्थानीय सरकार के पास होते हैं। संघ शासन राष्ट्रीय एकता और राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने की अद्भुत राजनीतिक पद्धति मानी गई है। संघात्मक शासन या संघीय शासन के अंतर्गत छोटे राज्यों को परस्पर एक शक्तिशाली संगठन का निर्माण करने का अवसर भी प्राप्त होता है। संघीय शासन अपने नागरिकों को राजनीतिक चेतना के प्रशिक्षण हेतु प्रेरित करता है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को अपने क्षेत्र में सर्वाधिक संघीय सरकार की छाया प्राप्त हो जाती है। संघात्मक शासन में निरंकुशता की आशंका नहीं रहती है, क्योंकि शासन की जो शक्ति है वह अनेक इकाइयों में विद्यमान होती है, या यूँ कहें कि विभाजित होती है। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि संघ में एक निरंकुश शासक द्वारा जनता के अधिकार हड़प लेने का खतरा नहीं रहता है। विशाल राज्यों के लिए जहाँ भाषाई अनेकता, धार्मिक अनेकता या जातिगत विभिन्नता विद्यमान हो, वहाँ संघात्मक शासन उपयुक्त होता है। आर्थिक बचत की दृष्टि से भी संघीय शासन उत्तम है, क्योंकि संघ की स्थापना से ऐसे अनेक व्यय बच जाते हैं। छोटे छोटे राष्ट्रीय राज्यों को विशाल राज्य के रूप में संगठित करके संघ राज्य विश्व संघ निर्माण हेतु मार्ग प्रशस्त करने का एक अच्छा साधन माना गया है। मिल के अनुसार यदि कार्यकुशलता एवं स्थायी संघात्मक व्यवस्था की आवश्यक दशाएं विद्यमान हो, तो इस प्रकार के संगठनों की जितनी अधिक संख्या होगी संसार के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इस संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में व्याख्यान है। यदि हम इसके दोष के संदर्भ में प्रकाश डालें तो हमें विदित होगा कि संघात्मक शासन में आंतरिक प्रशासन संबंधी निर्बलता पाई जाती है। जिन विषयों का प्रबंधन संघ की इकाइयों द्वारा होता है उनके संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और दोहरी शासन की वजह से प्रबंधन में अनावश्यक विलंब भी होता है। यद्यपि प्रत्येक संघ राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन का कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा संपन्न होता है, परंतु इसके लिए व्यापार, वाणिज्य, सूचना और पर्यटन आदि विभागों का सहयोग भी आवश्यक होता है। इन विभागों पर साधारणतः इकाई सरकारों का आधिपत्य रहता है, जिससे केंद्रीय सरकार की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में कठिनाई का सामना करना होता है। यानी केंद्रीय सरकार यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करना चाहे तो उसे कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, और जिससे कि राजकीय प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह भी अंकित हो सकता है। हीपर ने एक स्थान पर कहा है कि संघवाद और उत्साहपूर्ण विदेश नीति साथ साथ नहीं चलते हैं, यानी कई बार हमारी विदेश नीति भी इससे प्रभावित हो जाती है। संघीय शासन में विभिन्न प्रशासनिक त्रुटियों के लिए केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारें दोनों ही एक दूसरे को उत्तरदायी ठहराती हैं। ऐसी स्थिति में रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि कौन व्यक्ति या कौन सी संस्था क्या जिम्मेवारी ले। लिखित और कठोर संविधान संघीय शासन की अनिवार्य आवश्यकता होती है, यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन संघीय शासन के लिए अनिवार्य माना गया है। परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल संवैधानिक संशोधन हेतु इकाइयां स्वीकृति नहीं देती हैं, जो कि प्रगतिशीलता के विरुद्ध है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए इकाइयों की सहमति होना आवश्यक है, और यदि वो सहमति नहीं देंगी तो उसमें प्रगतिशीलता में अवरोधन पैदा होगा। संघीय शासन में दोहरी शासन व्यवस्था होने से धन का अपार अपव्यय भी होता है। डॉक्टर फाइनर के अनुसार वित्तीय दृष्टिकोण से यह व्यवस्था अपव्ययी है, क्योंकि इसमें प्रशासनिक मशीन तथा प्रक्रिया का बहुत दोहरापन होता है। तो ये कुछ संघीय शासन व्यवस्था के मेन फीचर्स थे।
आशा है आपको पसंद आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी प्रेषित करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।